प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के बैतूल प्रवास पर उन्होंने हरदा में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा ली। मध्य प्रदेश के हरदा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके एक वोट ने देश को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बैतूल देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी समाज के योगदान को नहीं स्वीकारा। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनने की भी तैयारी शुरू कर दी है। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम जब से सरकार संभाली है, वो भी एमपी के विकास को और नई शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, बैतूल देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीरों की धरती है। आदिवासी क्रांतिकारी सरदार गंजन सिंह जी कोरकू और सरदार विष्णु सिंह जी गौंड, उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज के इस योगदान को स्वीकार ही नहीं किया। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।